हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पोहा के नमकीन, जो आप किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है, गैस ऑलरेडी मैंने एक मिनट पहले जला दिया था। तो हमारी नॉनस्टिक कढ़ाई देखिए गर्म हो चुकी है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंदाजे में ही तेल डाला है। तो अगर मैं क्वांटिटी में बताऊँ आपको, तो आप यहाँ पे 2-3 बड़े चम्मच से आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो चलिए तेल देखिए थोड़ा सा हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ जो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक कटोरी यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। तो चलिए हम पोहा जो है यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से सारे हमने पोहा को बाहर निकाल दिया प्लेट में। और मैं आपको दिखा दूँ कितना फूल के हमारा पोहा यहाँ पे बहुत ही क्रंची नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े तेल की आपको क्वांटिटी लेनी पड़ती है, और इस तरीके से तभी आपके जो पोहा है वो आपके फूल के बाहर आते हैं। तो मैं देखिए अभी थोड़े से और बचे हुए हैं, हम उनको भी थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे सबको। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा फ्राई हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसीलिए तेल की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, तभी अच्छे से फूल के हमारे पोहा जो है बाहर आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हो चुका है, मैं फटाफट इसको बाहर प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे हमने सारे जो पोहा है हमने बाहर निकाल लिए हैं, और छान के आप देख सकते हैं बहुत ही ड्राई हमारे पोहा हो गए, काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पोहा जो है दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। यहाँ देखिए तेल हमारा ऑलरेडी गर्म है, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे छोटी सी मैंने एक कटोरी देखी है चने की दाल ली है। तो चलिए चने की दाल को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे तेल में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने जो पोहा लिया है या चने की दाल है, तो इन सबको आपको ना धो के पहले अच्छे से, फिर तो उसके बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे गीला पानी से नहीं रहेगा, बाद में ये अच्छे से फ्राई हो सकते हैं। अब मैं यहाँ साथ में ले रही हूँ मसूर दाल। देखिए मैंने मसूर दाल भी यहाँ पे अच्छे से ले रखा है मैंने साफ़ सुथरा। तो चलिए मसूर दाल भी हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे चने की दाल और मसूर की दाल हमने यहाँ दोनों अच्छे से फ्राई करके और हमने यहाँ पे पोहा में मिक्स कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए मूंगफली ले रही हूँ, और ये हमने एक कटोरी मूंगफली ली है। तो चलिए इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पोहा का नमकीन, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो में। और इसमें हम जितने भी जो चीज़ अभी मैं इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन ले रही हूँ मैं, तो सबको हम फ्राई करेंगे अच्छे से, क्योंकि हम नमकीन जो बना रहे हैं काफ़ी टेस्टी होता है, फ्राई करने के बाद टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मूंगफली भी हमारी लगभग यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गई है। चलिए हम थोड़ा सा एक दो मिनट और पका के इसको हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मूंगफली है अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको भी छन्नी की हेल्प से मैं बाहर प्लेट में निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, छन्नी से हमारा जो भी ऑयल है थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो वो भी आप प्लेट में लगा लें। यहाँ पे फिलहाल तो मैंने नहीं लगाया है। तो देखिए अच्छे से हमारा यहाँ पे तेल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर प्लेट में मैंने बाहर निकाल लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब मैंने देखिए बादाम लिया है, मैं बादाम यहाँ पर इसको भी मैं तेल में डाल लेती हूँ। एक दो इंग्रेडिएंट्स हमारे और हैं, उनको भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे। जैसे कि मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, काजू को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमने नारियल लिया है, जो हमने अच्छे से छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिया था, तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो
देखिए मैंने तीनों चीज़ यहाँ पे तेल में डाल दिया है, तो अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए यहाँ पे हमारे जो नारियल है और जो काजू है, बादाम है, अच्छे से यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जो मैंने किशमिश लिया है इनको भी मैं हल्का सा इनके साथ ही यहाँ पे भून लेती हूँ, क्योंकि हमें किशमिश से ज़्यादा हमें हैवी भूनना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब कुछ यहाँ पे भून चुका है, नारियल है, काजू है, बादाम है, या हमारे किशमिश है, तो अच्छे से सारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए मैं बाहर निकाल लेती हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स को। देखिए हमने यहाँ पे सारा हमने ड्राई फ्रूट्स जो है हमने यहाँ पे फ्राई करके हमने प्लेट में सारा बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच बड़े चम्मच से जो हमने तेल लिया था उसी में हमने सारा कुछ हमने फ्राई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा अभी थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, तो चलिए मैं इसमें तड़के का मैं आगे प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ लिया है कड़ी पत्ता। देखिए यहाँ पे हमारा कड़ी पत्ता जो अच्छे से भून चुका है। तो चलिए हम कुछ यहाँ मसाले हम ले लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च पाउडर, फिर हम ले रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे जीरा पाउडर, उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी मैंने यहाँ ले लिया। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आप चाहें तो ये सारे मसाले आप ऐसे भी नमकीन जो बना रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा तड़का लगा के अगर आप यहाँ पे मिक्स करते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनता है, तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून गए हैं। तो चलिए मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। चलिए हम यहाँ पे ऊपर से हम थोड़ा कस्तूरी मेथी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको भी साथ में मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सारे जो हमने मसाले भुने सबको हम यहाँ पे नमकीन में हम मिक्स कर लेंगे। हमने जो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट जो भुना है हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और साथ में मैंने लिया थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो लिया है नमकीन लिया है मैंने, ये बेसन की नमकीन है, आप चाहें तो इसको भी आप घर पे बना सकते हैं। फिलहाल मैंने रेडीमेड नमकीन लिया है और इसको भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है और दुगना बढ़ जाता है। तो चलिए मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिएगा। मैंने 1/4 यहाँ पे काला नमक लिया है, आप जितना नमक पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1/4 हमारा जो नॉर्मल नमक है वो हम ले रहे हैं। तो चलिए दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पोहा के नमकीन देखिए यहाँ पे बन चुके हैं और मैंने यहाँ प्लेट में अच्छे से यहाँ पे सर्व कर दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी नज़र आ रहा है हमारा पोहा का नमकीन और कितना इजी है बनाना इसको। आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी त्यौहार पे आप बना सकते हैं और बहुत ही 2-3 चम्मच तेल में आप यहाँ पे सारा प्रोसेस कर सकते हैं, आपको बार बार ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस रेसिपी को और कैसी बनी है आपकी ज़रूर आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। वीडियो भी अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपना यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर